नमस्कार, मैं परमजीत पवार, न्यूज़ पंजाब हरियाणा हिमाचल में आपका स्वागत है। और आज बात करेंगे हरियाणा की। हरियाणा सरकार ने जो एक फैसला लिया है, जो पंचायती जो चुनाव होंगे उनको महिलाओं को जो है 50% इसमें आरक्षण दिया जाएगा, इस पर जो है सरकार विचार कर रही है। और लोगों से जानते हैं कि जो महिलाएं हैं उनके बारे में जो लोग हैं वो क्या सोचते हैं। सर, क्या कहना चाहेंगे जो सरकार ने फैसला जो लिया है, जो विचाराधीन अभी है कि भाई इसको जो चुनाव आएंगे तो क्या लगता है महिलाओं को? महिलाओं को मिलना चाहिए, क्योंकि जब महिलाओं की भागीदारी 50% समाज में है तो उनको 50% रिजर्वेशन देने में कोई इतराज़ नहीं। तो कैसा कदम मानते हैं सरकार का? बहुत बढ़िया कदम मानते हैं। तो जो महिलाओं को पुरुष के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलती हैं, तो जो फैसला नहीं हमारे समाज में पहले भी कंधा से कंधा मिलाकर चलती थी, आज भी कंधे से कंधा, ऐसा तो कभी हुआ नहीं सृष्टि में कि बिना कंधे से कंधा मिलाएं आदमी की गति हुई हो। हम ऐसा ही चलते आया है, कंधे से कंधा मिलाकर आगे भी चलते रहे। तो सरकार का अच्छा कदम है? हाँ, अच्छा कदम है बिल्कुल। सरकार का जो फैसला है, लोगों का कहना है कि ये अच्छा कदम है। हमारे साथ कुछ और लोग मौजूद, बात करते हैं। सर, क्या कहना चाहेंगे जो सरकार ने फैसला लिया है, जो फिलहाल विचाराधीन है कि भाई 50% से जो है महिलाओं को मिलेगा? सरकार जो भी फैसले लेती है सोच समझ कर लेती है, अच्छे फैसले लेती है समाज के लिए, यही कहना है मेरा। सरकार का जो नारा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, क्या कहना चाहेंगे? वो बिल्कुल सही है, बेटियों के बगैर तो हमारा समाज ही नहीं है, हम भी नहीं है। बेटियों के बगैर तो कुछ भी नहीं हो सकता। आज बेटियां कल बहू भी होगी, कल माँ भी होंगी, सब बेटियों से ही होता है सब कुछ। तो सरकार का अच्छा कदम है? बिल्कुल एकदम 100% सही है, बिल्कुल सरकार का अच्छा कदम है। कुछ हमारे साथ और मौजूद उनसे बात करते हैं। सर, आपको क्या लगता है कि महिलाएं जो है हर श्रेणी में सबसे आगे हैं, पुरुषों के बात की जाए मतलब कंधे से कंधा मिला के हमेशा साथ देती है, आपको क्या लगता है, क्या कहना चाहिए? ये तो बिल्कुल सही बात है कि महिलाएँ पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलती हैं और हर कार्य में बल्कि अब बढ़ चढ़ करके भाग लेती हैं और पुरुषों से आगे भी हैं। रही बात 50% आरक्षण की, जो बिल्कुल सही लागू होना चाहिए, लेकिन इस रूप में लागू हो कि पंचायतों का जो कार्य है उनके घरवाले न करके स्वयं वो महिलाएं ही आगे आएँ और जितना जो भी कार्य है वो अपने कंधों पर लेकर उसको पूर्ण करें। अभी देखने में आ रहा है कि जो महिलाएँ सरपंच या पंच बनती हैं तो उनके घरवाले ही उस कार्य को अंजाम देते हैं, तो वो न हो उनको पीछे करके आगे महिलाएं ही आगे रहनी चाहिए, तभी वाकई में इस आरक्षण का बेनिफिट महिलाओं को होगा। अदरवाइज कोई ज़्यादा बेनिफिट नहीं होगा जब तक हम उनको इस रूप में आगे नहीं लेकर के आएंगे। बिल्कुल, लोगों का साफ तौर पर यह कहना है कि जो सरपंच बनती है महिला तो उसको ही जो है जो कार्य है वो सरकार का करना चाहिए, यानी कि जो उसका पति है वो जो है उसमें किसी प्रकार का इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। हमारे साथ महिलाएं मौजूद, उनसे बात करते हैं। आपको क्या लगता है जी जो सरकार का फैसला है? बहुत अच्छा फैसला है जी, हम बहुत गर्व महसूस करते हैं कि सरकार महिलाओं के बारे में इतना कुछ सोच रही है। महिलाएं वैसे भी घर परिवार को लेकर आगे बढ़ती हैं, शिक्षित होने का और भी ज़्यादा फायदा मिलेगा, बराबर का योगदान मिलेगा, लेकिन इसके साथ साथ जो बलात्कार केसेज होते हैं उन पर भी सरकार को, शिक्षा जरूर बढ़ रही है लेकिन ये केस अभी भी रुक नहीं रहे हैं, तो इन पर सरकार को बहुत ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। तो जो फैसला लिया 50% आरक्षण का, बहुत उचित फैसला है, बहुत ज़्यादा खुश हैं हम लोग तो आगे बढ़ने के लिए। बिल्कुल, लोगों का साफ तौर पर कहना है कि जो महिलाओं के प्रति जो 50% का फैसला लिया है वो लोगों ने उसका समर्थन किया है और महिलाओं ने भी जो है खुशी जो है जताई है। मेरे सहयोगी सोनू कुमार के साथ परमजीत पवार, न्यूज़ पंजाब हरियाणा हिमाचल। जिंद, आप बने रहिए न्यूज़ पंजाब हरियाणा हिमाचल के साथ।